छोटे छोटे ड्राइड बेबी प्रॉन्स, जिसे महाराष्ट्र में जवला या सुकड़ बोलते हैं, उसकी सब्जी या चटनी भी बोलते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फिश लवर्स के लिए। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है, चावल की रोटी या भाकरी के साथ खूब जमती है। तो चलिए आज मैं आपके साथ ड्राई बेबी प्रॉन्स की रेसिपी शेयर करती हूँ। हेलो एवरीवन, मैं गायत्री मेरे चैनल गायत्री कॉर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ मैंने एक मीडियम बाउल सूखे छोटे प्रॉन्स लिए हैं। इसको अच्छी तरह से एक बर्तन में पानी डाल के धो लेंगे। ऐसा करने से इसमें लगे समुद्र की रेती पानी में नीचे बैठेगी और प्रॉन्स अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे। ऐसा आप 2 से 3 बार पानी से निकाल कर धो लीजिए। एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल लेंगे। गरम तेल में कूटा हुआ अदरक लहसुन डालेंगे। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। मैंने 2 बड़े आकार के प्याज लिए हैं। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक स्वादानुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टेबल स्पून भुना जीरा पाउडर डालेंगे। 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला डालेंगे। थोड़ा सा भून लेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मैंने यहाँ पर कांदा लहसुन मसाला इस्तेमाल किया है। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें वॉश किए हुए प्रॉन्स डालेंगे। इसमें कोकम भी डालते हैं, लेकिन कोकम मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। आप चाहे तो डाल सकते हैं कोकम के 2-3 पीसेस। इसको थोड़ा सा भूनेंगे। एक कप पानी डालकर हम इसको ढक देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। गैस की आंच धीमी रखिए। प्रॉन्स अच्छी तरह से पक गए हैं। हमारी सब्जी अब तैयार हो गई है। हरे धनिए से गार्निश करेंगे। देखिए कितनी लजीज बनी है ये सब्जी। इसको मैंने चावल की रोटी के साथ सर्व किया है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कैसी बनी है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।